आज की ये वीडियो ट्वेल्थ वालों के लिए, ये समझ लीजिए रामबाण औषधि का काम करेगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो 2021 में आप पेपर देने वाले हो तो उसमें हिंदी का जो पेपर आएगा उसमें जीवनी आती है, दो जगह आती है, एक काव्य से एक गद्य से। तो कौन कौन सी जीवनी आपको याद करनी चाहिए जो कि 100% पेपर में आएगी ही आएगी, ये समझ लीजिए 100% की बोल रहा हूँ मैं, गारंटी से कह रहा हूँ, मेरा हाथ काट देना यदि नहीं आए तो पेपर में। लेकिन बातों को कंसेप्ट के साथ समझो, कैसे कभी भी तुम्हें बुरा अच्छा और बुरे में चुनना पड़े तो कौन सा चुनोगे, अच्छा चुनोगे ऑब्वियसली। लेकिन कभी जब तुम पे चुनाव करना पड़े तो अच्छा और एक बहुत अच्छा और एक सबसे अच्छा, तो फिर कौन सा चुनोगे, सबसे अच्छा। तो वही चीज़ें हैं, आपको पहले सीखो कि पेपर में जीवनी कैसे कैसे आएंगी और फिर आपको कौन सी याद करनी चाहिए जो कि पेपर में आएगी। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना दिमाग पर, ज़्यादा नहीं करना है, मतलब बोलते ना टेक्निकली तरीके से चलो, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो, माइंड को थोड़ा सा मेमोराइज करके बातों को, तब अपना एनालाइज करके बातों को, तब अपना कंक्लूजन निकालो कि हमें ये काम करना चाहिए, ठीक है। हवा में ही बातों को मत करिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, आपको मैं बता दूं, यूपी बोर्ड का मैं बता रहा हूँ, यूपी बोर्ड का सिलेबस स्टडी करके, इसी तरीके से एमपी बोर्ड का, बिहार बोर्ड का, सभी लोग स्टडी कर सकते हो, बाकी मैं आपको बता भी दूंगा उनका सिलेबस देख के। देखिएगा, यूपी बोर्ड में हिंदी की बात करी जाए तो दो हिंदी होती है, एक सामान्य हिंदी और एक होती है नॉर्मल हिंदी। मोस्टली लोग सामान्य हिंदी भरते हैं, तो मैं पहले सामान्य हिंदी का बताऊंगा फिर आपका हिंदी का बताऊंगा। तो ये बात कर रहा हूं मैं सामान्य हिंदी का। यूपी बोर्ड की मैं बात करूं तो 30% सिलेबस आपका कम कर दिया है, 30% कोरोना के कारण 30% सिलेबस कम किया। तो कम करने के बाद, कम का तो मैंने बता दिया क्या क्या कम हुआ है, लेकिन कम करने के बाद आपका गद्य में बची है केवल चार जीवनी बची है, 1, 2, 3, 4 सिलेबस में है ये चार, और काव्य में बची है ये सात दे रखी हैं सिलेबस में आपके में, ये सात हैं जिनकी जीवनी आपको याद करनी है ये। लेकिन पेपर में कैसे आता है क्वेश्चन, पेपर में आपका जीवनी आता है या साहित्य परिचय आता है? तो पहले तो यही दुविधा दूर करता हूँ भाई, साहित्य परिचय अलग रहता है, साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय अलग रहता है, ये हमेशा दिमाग में डाल लो, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो क्या करते हैं कि बस जीवन परिचय सिखा देते हैं। जीवन परिचय अलग रहता है, साहित्यिक परिचय अलग रहता है। पेपर में आ जाता है तो आप जीवन, साहित्यिक परिचय आता है मोस्टली, और लेकिन आप जीवन परिचय लिख आते हो तो वहाँ पर नंबर आपका कट जाता है, फिर कहते हो आप हमारे फुल में से फुल नंबर नहीं आए लेकिन हमने पूरी कॉपी भरी थी। तो इसलिए ध्यान समझ लेना, साहित्यिक परिचय अलग रहता है, जीवन परिचय अलग रहता है, तो दोनों चीजों को आपको याद करना है। लेकिन साहित्यिक परिचय मोस्टली आता है, लेकिन जीवन परिचय भी आ जाता है कभी कभी, इसलिए जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों याद करने हैं आपको, ठीक है। तो अब बात करते हैं, देखिएगा पेपर में आती है भाई तीन जीवनी आएंगी, 1, 2, 3, तीन राइटरों के नाम दे रखे होंगे, जैसे वासुदेव शरण उपाध्याय, हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रोफेसर जे सुंदर रेड्डी, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा नाम नहीं लिखा, मतलब समझ जाना, जैसे वासुदेव सराण उपाध्याय, उपाध्याय नहीं लिखा, मतलब समझ गए ना आप। तो तीन आपको दे रखी होंगी कि निम्न में से किसी एक की जीवनी या साहित्यिक परिचय लिखिए तथा उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए, कृतियां तथा उनकी रचनाएं भी लिखिए। तो ये क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, 5 को इस तरीके से डिवाइड किया गया, 3 + 2, 3 नंबर का उनका साहित्यिक परिचय रहेगा, 2 नंबर की उनकी कृतियां रहेंगी, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ये 5 नंबर मिलेंगे कैसे पूरे आपको, क्या चीज याद करनी चाहिए, देखिएगा आपको पता है कि भाई तीन आएंगे, ठीक है, कभी भी जुआ खेल के मत चलो, ठीक है। आपसे मैं कह दूं भाई इनमें से एक याद कर लो, एक्चुअली कोई भी यूट्यूब पर कोई भी टीचर आपको बता रहा है कि एक याद कर लो, मैं बता रहा हूँ पूरे यूपी की यदि बात करी जाए, ऐसे ही एमपी का रहता है, तो देखिए पूरे यूपी में आपके पेपर बनते हैं भैया 7 सेट बनते हैं, कितने सेट बनते हैं, 7 सेट, ठीक है, और 7 सेट के क्वेश्चन अलग अलग रहते हैं। तो जीवनी जो आएंगी 7 सेट में थोड़ी चेंजेस करके आएंगी, मैं आपको एक बता दे रहा हूँ, वो आपके सेट में नहीं आए तो भाई मैं तो यहाँ का पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो इस डिस्ट्रिक्ट का, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग रहता है पेपर, तो वहाँ पे थोड़ा सा अंतर रहता है, पूरा अलग नहीं लेकिन थोड़ा अंतर रहता है, तो 7-8 सेट बनते हैं। तो अब उनमें से, तो इसीलिए आपको मैं बता दूं, आप स्मार्ट वर्क थोड़ा सा मेमोराइज करो बातों को, देखना जरा भाई आपके सिलेबस में है टोटल मिला के 4 हैं और पेपर में आती हैं 3 और करनी होती है 1। पेपर में लिखने के लिए लिखोगे तो 1 की, लेकिन पेपर में 3 दे रखे होंगे ऑप्शन, उनमें से 1 की करनी है, तो देखना जरा आप इनमें से कोई भी 2 कर लीजिए, मैं कह रहा हूँ ये 2 कर लीजिए याद,
कोई भी दो याद कर लीजिए, जब ये दो याद करोगे तो इनमें से कोई भी तीन उठा लो तो एक इसमें से आनी आनी है निश्चित रूप से 100%। बताओ आएगी या नहीं आएगी, आप ही बताओ। भाई मैं कह रहा हूँ आपके पास में चार चीज़ें, चार में से मैंने दो चीज़ याद करवा दी आपको, और पेपर में आपको तीन आती हैं, तो नीचे की तीन लोगे तो ये आ जाएगी, ऊपर की तीन लोगे तो ये दोनों आ जाएंगे, जो चाहो वो लिख दीजिए। आप ऐसे लिख लीजिए या ये चीज़ लिख दीजिए या एक, मतलब ओवरऑल आपको ये बात समझ में आ गई कि भाई जब चार हैं, चार में से दो याद कर लोगे आप तो हमेशा और हमेशा तीन दी जाएंगे, तो उनमें से एक आप, हो सकता है कि एक जो याद कर लिए वो आ जाए, या हो सकता है कि दो याद कर लिए वो आ जाए। तो आपको क्या है, चार में से दो याद करनी ही करनी है। कभी भी किसी के झांसे में आकर कोई कह दे कि ये कर लो 100% आ जाएगी, कभी विश्वास मत करना। अपने दिमाग पर थोड़ा सा प्रेशर डालो, क्या हो सकता है कि ना आए, तो फिर आपका पता है क्या, केवल पास होना चाहते हो तो एक याद कर लो, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्या आप वासुदेव शरण उपाध्याय की याद कर लो, केवल पास होना है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कभी आ सकती है नहीं आ सकती है, लेकिन 100% चाहिए आपको, परसेंटेज बढ़ाने हैं कि भैया ये चीज़ आनी आनी है कि मेरे पाँच नंबर क्लियर हो गए, दिल ठोक के बोले ना ये, बोले झंडा गाड़ दो, हाँ भाई, तो 100% इसमें से आनी आनी है। तो इनमें से कौन सी याद करनी है, ये दो याद कर लेना आप, ठीक है। कोई भी दो, जो तुम्हें दो अच्छी लगे वो याद कर लेना, मेरे अकॉर्डिंग यही दो ज़्यादा इजी है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तो काफ़ी बढ़िया, तो इसलिए इसको छोड़ देना, ये दो याद कर लेना, बहुत ही ईजिली याद हो जाएंगी। अब मैं पहले आपको वासुदेव शरण उपाध्याय की मैं जल्दी ही कराऊंगा आपकी, ठीक है, कल आपको एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको पूरा का पूरा साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है, जीवन परिचय कैसे लिखना, कृतियाँ कैसे लिखनी, सारा कुछ बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये दो याद कर लेने, तो हो गया ना हो गया, अब आप ही बताओ क्या आएंगे नहीं आएंगे इसमें से, कोई भी तीन आ जाए, दोनों में से आपकी फंसनी ही फंसनी है, ठीक है। तो बस दो याद करने और ज्यादा याद नहीं करने। अब इधर आ जाओ काव्य में, काव्य में आपकी सात दे रखी है, तो भाई काव्य में क्या करना पड़ेगा, कोई भी ऐसी, मतलब मैं बता दूं आपको, मैं तो आपसे भाई आपको दो तीन बता सकता हूं, जब मैं आपको मोस्टली सात में से भाई तीन तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा याद करने के लिए, लेकिन तीन में भी ये चांसेस है कि फंसे या ना फंसे, तो आधा परसेंट भी मैं करूं, एक बट्टे दो, यानी कि आधा परसेंट भी जुआ मत खेलो, आ भी सकता है या ना आ सकता, नो नाम की चीज़ आनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप 95% का सपना लेकर चल रहे हो, 95% प्लस का सपना लेकर चल रहे हो, तो कभी भी जुए पर मत जाना, आधा परसेंट भी चांस लगे ना, नेगेटिव पॉइंट रहना ही नहीं चाहिए, बोले 101% आप क्लियर करके चलो कि ये चीज़ आनी ही आनी है। इसीलिए भाई तीन नॉर्मली मोटा मोटी तीन तो याद करते ही आप, तो तीन की जगह इसमें से करनी पड़ेंगी आपको पाँच याद, क्यों, क्योंकि देखना इनमें से कोई भी पांच ले लोगे आप तो आपका निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, आपका निश्चित रूप से तीन में से फंसेगी तीन। भाई जब देखना जरा, मैं कह रहा हूँ कि आपसे मैं नॉर्मली आपकी, मैं जैसे मोटा मोटी मैं आपसे ये तीन याद करवा दे रहा हूँ, सपोज दैट ये तीन याद करवा दे रहा हूँ, तो भाई दो ये आ गई, ये एक ये आ गई, रोक लोगे आप, एग्जामिनर ने पता नहीं कैसा बना दिया, आपके तो गए पाँच नंबर पूरे। इसीलिए अब मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए मैं चार याद करवा दे रहा हूँ, ये चार करवा दें तो ये तीन आ गए, तो मतलब 1% भी ऐसा सोचो मत, स्वयं ईश्वर भी पेपर बनाने लगे तो आपका नंबर कटना नहीं चाहिए। इस तरीके इस लेवल से तैयारी करो, समय बहुत है, जहाँ पे आप तीन याद कर सकते हो, भाई तीन तो मोटा मोटी करते ही याद, तीन याद कर सकते हो तो वहाँ पे दो और याद कर सकते हो, तो आपका ये तो है, फिर संशय नहीं रहेगा कि आपके पाँच नंबर ये और पाँच नंबर ये, पाँच प्लस पाँच तो भैया 10 नंबर, तो बोले नौकर स्वयं ईश्वर भी आ जाए जमीन पर उतर के, तो आपके नंबर नहीं काट सकते। समझ में आ रही है ना बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका आधा परसेंट भी संशय मत रखिए, आधा परसेंट भी जुआ मत खेलिए, आधा परसेंट भी आंखों पर पट्टी मत बांधिए। तो इसीलिए इसमें से आपको कोई भी पांच भाई याद करनी है, कोई पांच। आप कहोगे सर फिर आपने क्या छुड़वा दिया, अरे भाई मैं आपसे मैं कह रहा हूँ, चलो मैं केवल ये कह रहा हूँ कि ये तीन याद कर लो, निश्चित रूप से आ जाएंगी, मैं 99.9% बोलता हूँ, इसका ही मतलब समझ लो कि कल को तुम मुझसे कहोगे भाई कि सर जी तुमने ये बताए थे 99% बता रहे थे, तो मैं तुमसे ये कह दूँ मेरे लिए बचने का है कि भैया 0.01% मैंने मैंने भी तो किया था, 99.9% आ सकती है, लेकिन मैं 100% नहीं बोला था, तो मतलब क्या, मैं तो अपने आप को बचा लूँगा लेकिन आपका लॉस हो जाएगा उस समय पर। परसेंटेज पाँच नंबर बहुत मायने रखते हैं अपने आप में, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी कोई भी दुनिया का कोई भी टीचर है उस पर इतना विश्वास मत करना कि वो बोल दे कि भैया इन्हें दोनों याद कर लो आ जाएंगे, नहीं। अरे वो वहाँ पर वो उसका काम क्या है, वो व्यूज बढ़ा लेगा आपके, अपना काम कर लेगा, लेकिन आपका तो नुकसान हो जाएगा, जिंदगी पूरी खराब हो जाएगी आपकी, परसेंटेज नहीं आएंगे तो। केवल किस वजह से, क्योंकि आपने उस पर भरोसा कर लिया कि ये तीन आ जाएंगी, सर ने बता दिया हमें,
और जबकि उसको खुद ना पता कि आपके घर आपका जहाँ पे पेपर दोगे वहाँ पर सेट कौन सा हो, क्योंकि आप पूरे मेरे पास यहाँ पे पढ़ते तो मैं आपको निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ एक बता दूंगा इनमें से जो आपका बुलंदशहर बीएसआर का है, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का जो पेपर बनेगा मैं एक पर उंगली रख दूंगा वो 100% आएगा, ना आए तो पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं, गारंटी की बात है। लेकिन वो केवल बीएसआर के लिए, क्योंकि मैं आप यहाँ से पिछले 10 साल के पेपरों को स्टडी कर लेता हूँ, तो लेकिन मुझ पर हर डिस्ट्रिक्ट का पेपर 10 साल का नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो मतलब क्या है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पेपर आ रहा है, किस तरीके से पुराने पेपर किस पैटर्न पर बनते हुए आ रहा है, तो आगे कैसा पैटर्न बनेगा, तो उस पर तो मैं इनमें से एक उंगली रख दूंगा तो वो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा, लेकिन आपके डिस्ट्रिक्ट का अलग पेपर रहेगा। तो इसलिए बिल्कुल भी 0.5% भी आपको जुआ नहीं खेलना है, क्योंकि मेरे पास किसी को भ्रमित करने का साधन नहीं है। बोले ना अपने व्यूज बढ़ाओ, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाओ, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर पॉलिसी नहीं चल रही है, ना कोई ऐसी चल रही है। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें अपने सुपर 30 बैच में ज्वाइन कर लो, सुपर 100 बैच में ज्वाइन कर लो। सुपर बैच कोई नहीं है मेरे पास, तो सुपर यूट्यूब है पूरा, कोई भी पैसा लेके है ही नहीं, पैसा से तो कोई बैच है ही नहीं जिसके लिए कि अलग से एक्स्ट्रा मिलेगा। जो भी मिलेगा सबको पब्लिकली मिलेगा, किसी को पर्सनली मैं सेंड नहीं करूँगा, सारा यूट्यूब पर अपलोड करूँगा, वहाँ से आपको डाउनलोड करना है स्वयं। मैं किसी के पास एक वो नहीं भेजूँगा, लिंक भेज सकता हूँ, ठीक है। तो ये समझ में आ गई। तो इसीलिए आप इनमें से कोई 4 याद करके अपने आप को अंधेरे मत डालना, 3 याद करके अंधेरे मत डालना, पूरी 5 याद करनी है। और 5 जो तुम्हें इजी लगे वो याद कर लो, डेफिनेटली आपका 5 में से हो सकता है कि तीनों की तीनों फंस जाए, और हो सकता है एक तो निश्चित रूप से फंसेगी फंसेगी। क्यों? कि मान लीजिए आपने सपोज दैट ये 5 याद करी है, ये 2 छोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं है आपका। मान लीजिए 2 ये आ गई, 1 तो इनमें से आनी आनी है, ठीक है। जो पास होना चाहते हैं बच्चे, केवल पास होना चाहते हैं, तो वो भाई मैं बता दे रहा हूँ वो केवल ये 3 याद कर लें। जो पास होना चाहते हैं तो ये को यो वो केवल ये 3 याद कर लें। तो इस पर कल को मेरे ऊपर ब्लेम मत लगा देना कि सर आपने ये 3 बोले थे, बाई चांस बाई द वे ना आया तो। ऐसा नहीं है कि ये आपका किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ना आए, पर ऐसा भी नहीं है कि ये सभी डिस्ट्रिक्ट में ये तीनों आए। समझ रहे, दोनों बातों को नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरफ चले। मतलब मैं कह रहा हूँ कि भाई ऐसा कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा कि उसमें कि ये तीनों ना आए, मोस्टली सभी में आ जाए। लेकिन ऐसा तो पूरे यूट्यूब के ऐसे भी तो मतलब पूरे यूपी के ऐसे भी तो डिस्ट्रिक्ट नहीं है कि सभी में केवल ये तीनों की तीनों जीवनी आती रहें। इसीलिए कोई भी तुम्हें मतलब काट रहा है ना, तुम्हारा बेवकूफ काट रहा है, तो उस पर यकीन मत करना। समझ में आ गई? तो इस तरीके से ऐसे ही आपका सेंट्रल आइडिया का पूरा ब्यौरा आपको समझा दिया जाएगा, ऐसे ही आपका जो निबंध आएंगे उनका एनालाइज करके बताया जाएगा कि कौन से आ सकते हैं, क्या टॉपिक रहेंगे, ऐसे ही आपका ऐसे इंग्लिश में तो सारा कुछ बता दिया जाएगा। पेपर के क्वेश्चन तक भी मैं आपको एनालाइज करके हिंदी जो केमिस्ट्री है उसमें बनाने की विधियां। पर लेकिन उससे पहले आपको क्या, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराना है और अपने दोस्तों को हमसे जोड़ना है। मैं आपको थोड़ा सा चैनल का एनालाइज बता दूं कि भैया हमारे दोनों चैनलों की बात बता रहा हूं मैं, तो एक का तो मुझे पता नहीं कौन से चैनल का है, मैंने रात ही देखा था, दोनों में से एक का देखा था। तो उस पर पता है क्या कि मात्र 32% लोग हैं जो सब्सक्राइबर देखते हैं, ठीक है, जो वीडियो को देखते तो हैं, ये तो केवल 32% तो वो लोग हैं जो जितनी वीडियो मेरी देखी जा रही है उसमें से 32% लोग जो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनमें से तो 32% देखते हैं, और बाकी जो बच्चे देखते हैं उनमें से मैं बता दूं, देख लीजिए जितना भी बचा हुआ परसेंटेज है वो बाकी का बाकी आपका क्या है, अनसब्सक्राइब लोग देखते हैं। मतलब क्या है, वो वीडियो देखते हैं पूरा का पूरा देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो ऐसे बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब तो कर ही लेना चैनल को, और बेल आइकन को दबा लो ताकि आपको मिस ना हो, तुरंत बेल पहुँचे। और आपको बताइए कल आपको एक जीवनी मिलेगी, पूरा साहित्यिक परिचय, कृतियाँ कैसे लिखना है, सारा कुछ ऊपर से नीचे तक ब्यौरा पूरा। और ऐसा नहीं मॉडल की सीधे चेप दूंगा आपको, नहीं, पूरा लिखे कैसे कैसे, ठीक है, बिल्कुल बेहतर तरीके से, एकदम बिल्कुल लवली लवली वर्ड जो एक बार में याद हो जाए, ठीक है, फिर उसी का फिर टेस्ट लेंगे, ठीक है, उसी का फिर हम टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और आपको पता है क्या करना है।